तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज मैं आपको कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल के बारे में सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड, आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना बिना स्किप किए, क्योंकि जब आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कौन सा स्टेप मैंने लिया वो आपको पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड, इसमें जो मैं बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ, PNG जो यूज़ करने वाला हूँ, वो सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले इस तरह का बैकग्राउंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। फ्रेंड, ये बैकग्राउंड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, फुल HD में बैकग्राउंड है। तो फ्रेंड, चलिए हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है इफेक्ट वाले टूल में। फ्रेंड, इफेक्ट वाले टूल में जाने के बाद आपको जाना है ब्लर वाले टूल में। फ्रेंड, ब्लर वाले टूल में जाने के सबसे पहले दूसरा ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड, और अपने जो प्लेन दिखाई दे रहा है वो उसको ब्लर करना है। फ्रेंड, इसलिए हम जो यहाँ पे आगे जो दिख रहा है उसको हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं ब्लरिंग। ठीक है फ्रेंड, कुछ इस तरह से यहाँ से डन कर देना है। और इसका जो रखना है वो 10 रखना है फ्रेंड, ब्लर 10 रखना है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से कर देना है राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो मॉडल है वो लगाना है कट आउट करके। वो कट आउट कैसे करते हैं वो उसकी मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिर्फ 5 सेकंड में वो कट आउट निकाल सकते हैं अपनी फ़ोटो का। तो चलिए मैं फ्रेंड में कट आउट यहाँ पे लगाता हूँ मेरे फ़ोटो का। तो फ्रेंड, देख सकते हो मेरा कट आउट आ गया है। तो मैं यहाँ पर इसको सेट करूँगा फ्रेंड कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करूँगा फ्रेंड, वहाँ से एक जो ब्लैक लाइन है उसको मैं ऐड करूँगा फ्रेंड, ब्लैक वाला लाइन। तो फ्रेंड, हमारा ब्लैक वाला लाइन यहाँ पर आ गया है, उसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं फ्रेंड थोड़ा साइज छोटा बड़ा करके कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, वहाँ से यहाँ से राइट कर देना है फ्रेंड। उसके बाद फिर एड फोटो वाले टूल में जाना है, वहाँ से एक PNG आपको ऐड करनी है फ्रेंड, इस तरह से कुछ ये PNG है वो इस ऐड करनी है। उसके बाद आपको जाना है एडजस्ट टूल में, वहाँ से यूज़ में जाना है फ्रेंड, उसकी यूज़ जो बैकग्राउंड से मिलती है उस कलर में करनी है फ्रेंड। तो हमारा ये कलर बैकग्राउंड में मिल जाता है, तो फ्रेंड यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ नीचे लगा देना है फ्रेंड कुछ इस तरह से, यहाँ से कर देना है डन। उसके बाद फ्रेंड, आपको जो चेन लगानी है वो ऐसा लगना चाहिए कि हमने वो लाइन को पकड़ा हुआ है चेन से, तो इस तरह की आपको चेन लगानी है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं चेन को सेट कर देता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे हाथ में शेर को चेन लेके पकड़े है, ऐसे रियलिस्टिक देना है फ्रेंड कुछ इस तरह से। बाद में आपको जाना है इरेजर वाले टूल में, वहाँ से आपको ये इरेज कर देना है फ्रेंड जो बाकी का हिस्सा है वो। उसके बाद यहाँ हाथ के ऊपर से अभी आपको इरेज कर देना है फ्रेंड, ताकि लगे कि हमने पकड़ा हुए है ये चेन। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड। उसके बाद एक और PNG लगाना है, इसलिए हम जाएंगे एड फोटो वाले टूल में। उसके बाद हमें ये PNG ऐड करनी है फ्रेंड, उसके हम पूरे फोटो पे लगा देना है। उसके बाद जाना है हमें ब्लेंड वाले टूल में, यहाँ से हमें करना है स्क्रीन, और यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड। फ्रेंड ये हो गया। उसके बाद हमें जाना है टूल में जाना है, उस वहाँ से आप जाना है एडजस्ट में, और हमें चेहरे और पूरे बॉडी पे हमें ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। उसके बाद जाना है इरेजर वाले टूल में, वहाँ से हमें हमारी फुल बॉडी पर पेंसिल में जाके ये लगा देना है। तो फ्रेंड, हमारी बॉडी पर लग चुकी है ब्राइटनेस, यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जाना है हाईलाइट वाले टूल में, हाईलाइट को बढ़ाना है फ्रेंड,
उसके बाद जाना है आपको शेडो में, शेडो को कम करना है, उसके बाद यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है इफेक्ट वाले टूल में, यहाँ से इफेक्ट में जाना है, वहाँ से डोंगर इफेक्ट को चूज़ करना है फ्रेंड। फ्रेंड इसकी सेटिंग में जाना है, यहाँ से फेड जीरो कर देना है और डार्कन को चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड। उसके बाद फिर एक बार इफेक्ट में जाना है फ्रेंड। उसके बाद तो फ्रेंड आपको लगानी है मिल थ्री बार आपको लगानी है अपने फ़ोटो पे। यहाँ से फेड जीरो और डार्कन में कर देना है फ्रेंड और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो वीडियो फ्रेंड देखने के लिए धन्यवाद।